हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ट्रांसमिशन का एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिस टॉपिक को कवर करने के बाद उस यूनिट का लगभग आपका 90% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और वो कौन सा टॉपिक है, तो HVDC एंड EHVAC सिस्टम के बीच का डिफरेंस। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आप HVDC अगर पूछा जाएगा तो भी आप लिख सकते हैं, अगर आपसे EHVAC सिस्टम पूछा जाएगा तो भी लिख सकते हैं, उसका एडवांटेज पूछा जाएगा तो भी लिख सकते हैं, डिसएडवांटेज पूछा जाएगा तो भी लिख सकते हैं, लिमिटेशन पूछा जाएगा तो भी, यानी बहुत सारा टॉपिक एक ही टॉपिक के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा। और वो है EHVAC एंड HVDC सिस्टम के बीच का डिफरेंस। तो आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे आपका बहुत सारा MCQ भी क्लियर हो जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो क्या क्या डिफरेंस, इससे पहले भी हमने डिफरेंस के ऊपर वीडियो बनाया है लेकिन उसमें कम पॉइंट हमने डिस्कस किया था, और आज का ये वीडियो इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। लगभग आपका 34 पॉइंट आज के इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कंप्लीटली जो है सारा डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाए और ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और डिफरेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस जो लिखा गया है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्लर दिख रहा होगा, धुंधला, लेकिन हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ध्यान से, सारा पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला HVDC और EHVAC का बेसिक आपको बता देते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि HVDC सिस्टम और EHV किसको कहते हैं। तो HVDC सिस्टम का कहने का मतलब क्या है, जिसमें हमारा ट्रांसमिशन किस में होता हो, HVDC यानी हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन हो। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरेशन जो है AC करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगाते हैं और जितना हमको स्टेप अप करना है, जनरली HVDC के लिए 500 kV यानी 500 kV तक स्टेप अप किया जाता है और सम केसेस में 800 kV तक स्टेप अप किया जाता है। इसके बाद हम लोग ट्रांसमिशन कर लेंगे, यानी ये तो AC वोल्टेज हुआ, तो यहाँ पर कन्वर्टर लगाया जाता है, AC to DC कन्वर्टर लगेगा और इसी को हम लोग रेक्टिफायर भी कहते हैं, तो यहाँ पर कन्वर्टर होगा। अगेन ट्रांसमिशन करने के बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इन्वर्टर जो कि DC को AC में कन्वर्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर कन्वर्जन हो जाएगा, कन्वर्टर 1 और कन्वर्टर DC को AC में कन्वर्ट कर लिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर लोड लगा हुआ होगा और उस लोड के माध्यम से हमारा कंज्यूमर तक सप्लाई हो पहुँच पाएगी। तो ये जो ट्रांसमिशन, इसी को हम लोग HVDC ट्रांसमिशन बोलते हैं। EHVAC की बात करें तो बहुत आसान है, केवल जनरेटिंग स्टेशन से 11 kV जनरेट होता है, इसको स्टेप अप कर लेंगे, जितना रिक्वायरमेंट 132 kV है, 220 kV है, 400 जितना भी है उसको ट्रांसमिट कर देंगे। कंज्यूमर साइड लोड साइड पहुंचेंगे तो स्टेप डाउन कर लेंगे, जितना हमारा जरूरत है 11 kV है और कुछ केसेस में 33 kV और बाद में फिर फर्दर स्टेप डाउन करके लोड तक भेज दिया, तो स्टेप डाउन कर लेंगे ट्रांसफार्मर लगाकर और लोड को भेज देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, EHVAC ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो ये दोनों का बेसिक आइडिया आपको बता दिया, इस पर वीडियो भी बना हुआ, आप पहले जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए डिफरेंस हम लोग बात करते हैं। पहला डिफरेंस लिखा गया है नंबर ऑफ कंडक्टर रिक्वायर्ड फॉर सिंगल सर्किट, एक सर्किट, यानी आपका ट्रांसमिशन के अंदर दो सर्किट जनरली यूज होता है। तो अगर हम केवल एक सर्किट की बात करें तो एक सर्किट अगर AC है तो इसमें 3 कंडक्टर यूज होता है, RYB, जबकि अगर DC सिस्टम है तो 2 ही कंडक्टर होगा, एक फेज होगा और दूसरा न्यूट्रल होगा। और बहुत सारे केस में क्या करते हैं हम लोग, आप लोग आगे चल के पढ़िएगा, उस पर भी वीडियो बना देंगे, मोनोपोलर, बाईपोलर, होमोपोलर, 3 तरह का HVDC सिस्टम होता है। तो अगर मोनोपोलर है तो उसमें हमारा एक कंडक्टर यूज़ करते हो और दूसरा अर्थ से यानी ज़मीन को ही हम लोग रिटर्निंग की तरह यूज़ कर लेते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों का एक ही कंडक्टर केवल यूज़ होता है।
तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्ट के अंदर डिफरेंस आता है। तो HVDC का कॉस्ट बहुत कम हो जाता है क्योंकि दो ही कंडक्टर यूज़ होगा, और अगर अर्थ से कर रहे हैं तो केवल एक ही कंडक्टर हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, और इसमें तीन तीन कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पहला डिफरेंस है HVDC सिस्टम में, वन कंडक्टर एंड ग्राउंड इज़ यूज एज ए रिटर्न पाथ, जबकि थ्री फेज सिस्टम के अंदर HVAC सिस्टम में मिनिमम तीन तार चाहिए RYB, और डबल सर्किट अगर है तो 6 तार चाहिए होगा। यहाँ पर अब देखिए आगे वही डबल सर्किट की बात किया गया, फॉर डबल सर्किट, डबल सर्किट है तो आप लोग HVAC यानी सिंगल लाइन डायग्राम के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि डबल सर्किट के अंदर दो आपका सर्किट यूज़ होगा, RYB पहला और दूसरे के लिए भी RYB, यानी टोटल 6 तार यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर केवल देखिए 2 कंडक्टर इज़ यूज, इसमें आप क्या है बाईपोलर यूज़ होता है HVDC सिस्टम में, 2 कंडक्टर यूज़ होगा और तीसरा आपका रिटर्निंग अर्थ जो है वो रिटर्निंग का काम करेगा। तो यहाँ पर केवल 2 ही कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है अगर डबल सर्किट होगा तब भी, और तीसरा ग्राउंड का उपयोग कर लिया जाता है। तो इसमें 6 तार और इसमें केवल 2 तार यूज़ होगा डबल सर्किट के लिए। आगे बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ टावर। अब इसमें देखिए कंडक्टर कम है तो ऑब्वियस है कि लाइट वेट होगा, हल्का होगा, और ये क्या होगा हेवी वेट होगा। इसमें देखिए लिखा गया नेक्स्ट पॉइंट इंटरमीडिएट सब स्टेशन, इसमें HVDC सिस्टम के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि HVAC सिस्टम के अंदर हम लोगों को हर 250 किलोमीटर पर इंटरमीडिएट सब स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर HVAC में लॉसेस ज़्यादा होता है जबकि HVDC सिस्टम के अंदर लॉसेस कम होता है। अब क्या क्या लॉसेज है वो आगे डिफरेंस के ही अंदर कवर हो जाएगा, बहुत आराम से बस वीडियो को देखिए। कैपिटल कॉस्ट ऑफ सब स्टेशन, इसके अंदर क्या होगा HVDC सिस्टम के अंदर कॉस्ट ज़्यादा होगा। अब यही देखिए, ये अब जितना पॉइंट बात किया था 4 पॉइंट, ये क्या था HVDC सिस्टम का एडवांटेज था और इसका डिसएडवांटेज था, लेकिन अब क्या आप इसको अलग अलग करके अभी लिख सकते हैं, यानी डिफरेंस करते समय अगर आप ध्यान दीजिएगा तो पहले जितना एडवांटेज HVDC का उसको लिख लीजिए और उसके बाद आप क्या कीजिए डिसएडवांटेज लिखिए। तो यहाँ पर दोनों मिला हुआ है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अब कैपिटल कॉस्ट ऑफ HVDC सिस्टम का क्या होता है ज़्यादा, क्यों, क्योंकि आपको सेंडिंग इंड पर भी कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है और रिसीविंग इंड पर भी कन्वर्टर स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसका सब स्टेशन का कॉस्ट क्या हो जाएगा ज़्यादा, जबकि इसका कॉस्ट क्या कोई भी कन्वर्टिंग डिवाइस नहीं है तो इसका कॉस्ट कम होगा। नेक्स्ट 6ठा पॉइंट इसके अंदर लिखा गया है ट्रांसमिशन लाइन कॉस्ट पर किलोमीटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एबव 500 के, 500 किलोमीटर से ज़्यादा पर ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट क्या होगा, तो आपका HVDC सिस्टम में लेस होगा और EHV सिस्टम में ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ कंडक्टर कम है तो इसका ट्रांसमिशन लाइन का जो कॉस्ट है वो कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा। इसमें अगर हम लोग ग्राउंड रिटर्न की बात करें तो HVDC सिस्टम के अंदर मोनोपोलर, बाईपोलर, होमोपोलर पढ़िएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें रिटर्न पाथ भी यूज़ होता है HVDC सिस्टम के अंदर, तो HVDC सिस्टम के अंदर रिटर्न पाथ पॉसिबल होता है, जबकि EHV सिस्टम में रिटर्न पाथ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको कंडक्टर का ही यूज़ करना पड़ेगा, 3 फेज है तो ऐसा नहीं 2 आउटगोइंग और 1 कंडक्टर जो रिटर्निंग के लिए ग्राउंड का यूज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें तीनों आपको कंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा, यानी ग्राउंड रिटर्निंग EHVAC में पॉसिबल नहीं होता है जबकि HVDC में पॉसिबल होता है और इसका यूज़ भी किया जाता है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आसान सी बात है कि HVDC में अब्सेंट होगा और AC सिस्टम में प्रेजेंट होगा। स्किन इफेक्ट की बात करें तो स्किन इफेक्ट बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, बहुत डिटेल वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। तो स्किन इफेक्ट क्या होता है HVDC सिस्टम में अब्सेंट होगा जबकि EHVAC सिस्टम में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पर आप और भी ऐड कर सकते हैं कि स्किन इफेक्ट अगर प्रेजेंट है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्किन इफेक्ट यहाँ पर अब्सेंट है इसमें प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट होने की वजह से रेसिस्टेंस क्या हो जाता है बढ़ जाता है, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा तो लॉसेस बढ़ जाएगा, तो स्किन इफेक्ट ये क्या है AC सिस्टम का डिसएडवांटेज है, जबकि HVDC सिस्टम का अंदर ये स्किन इफेक्ट
और आपका फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ये सारा एडवांटेज है। इसके अलावा प्रॉक्सिमेटी इफेक्ट भी आप देखेंगे। प्रॉक्सिमेटी इफेक्ट में क्या होता था कि एक कंडक्टर दूसरे से लिंक करता है, एक कंडक्टर का फ्लक्स लिंक करता है, तो ये किस में होता है, EHV-AC सिस्टम। AC में होता है फ्लक्स लिंकेज हो जाता है, फ्लक्स लिंक करेगा, अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप होता है और रिसीविंग एंड पर हमको अनइक्वल वोल्टेज मिलता है। तो ये प्रॉब्लम किसके साथ है, तो EHV-AC के साथ है। HVDC सिस्टम के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है, यानी अप्रॉक्सीमेटी इफेक्ट अब्सेंट होता है और इसमें प्रेजेंट होता है। ये इसका डिसएडवांटेज और ये इसका एडवांटेज है। फेरांटी इफेक्ट की बात करें तो फेरांटी इफेक्ट भी किस में प्रेजेंट होगा, स्किन इफेक्ट में प्रेजेंट होगा। नो लोड या लाइट लोड के कंडीशन में रिसीविंग एंड पर क्या हो जाता है, लोड साइड वोल्टेज बढ़ जाता है, जिसको फेरांटी इफेक्ट बोलते हैं। और ये HVDC सिस्टम में नहीं होगा, तो ये इसका एडवांटेज है, EHV-AC का ये डिसएडवांटेज है। कोरोना लॉस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोरोना लॉस HVDC सिस्टम में लेस होगा, जबकि इसके अंदर मोर होता है, ज़्यादा होता है। कंडक्टर के यानी बीच में, दो कंडक्टर के बीच में जो इंसुलेशन है एयर, इसके फेलवर होने का चांस EHV सिस्टम में ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। ज़्यादा होगा तब यहाँ से आप बहुत सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं, लॉसेस बढ़ जाएगा, इंटरफेरेंस कम्युनिकेशन के साथ बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और आपका नॉइस बढ़ जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। तो कोरोना इफेक्ट EHV-AC सिस्टम प्रेजेंट होता है, HVDC सिस्टम में नहीं होता है। रेडियो इंटरफेरेंस देखिए आ गया पॉइंट, अब्सेंट होगा इसमें, कोरोना की वजह से इसमें प्रेजेंट होगा। इफेक्ट ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, HVDC सिस्टम में अब्सेंट रहेगा इंडक्टर कैपेसिटर, जबकि EHV-AC सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होगा। L एंड C कैपेसिटर, आपको मालूम है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर इंडक्टर भी फॉर्म हो जाता है और कैपेसिटर भी दो कंडक्टर के बीच में या कंडक्टर और अर्थ के बीच में फॉर्म हो जाता है। तो ट्रांसमिशन लाइन EHV-AC ट्रांसमिशन में इंडक्टर एंड कैपेसिटर प्रेजेंट होगा, जबकि HVDC सिस्टम के अंदर एब्सेंट होगा। वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, अब यहाँ पर आपको पहले ही बताया स्किन इफेक्ट नहीं होता है, तो स्किन इफेक्ट नहीं होगा। तो सेम कंडक्टर है, लेकिन अगर HVDC सिस्टम उसके अंदर ट्रांसमिट हो रहा है तो उसका रेसिस्टेंस की वैल्यू लो होगी, कम होगा, जबकि इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और कितना ज़्यादा होगा, 1.6 टाइम्स ज़्यादा होता है AC के केस में, EHV-AC सिस्टम के केस में, स्किन इफेक्ट की वजह से। कॉपर लॉस अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, कॉपर लॉस कम होगा। अब रेसिस्टेंस कम है तो कॉपर लॉस क्या है, I²R, तो रेसिस्टेंस कम तो लॉस कम, इसमें लॉस ज़्यादा, ठीक है। ट्रांसमिशन इफिशेंसी, तो इसकी इफिशेंसी ज़्यादा होगी, क्यों ज़्यादा है, तो इंडक्टर नहीं है इसमें, कैपेसिटर नहीं है, XL इसमें नहीं होगा, XC नहीं होगा, XL-XC नहीं होने की वजह से यहाँ पर लॉसेस कम होगा और इसकी इफिशेंसी बेटर होगी HVDC सिस्टम का, जबकि इसकी इफिशेंसी कम होगी, लेस होगा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप बात किया जाए तो XL वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इसके अंदर ज़्यादा होगा, IXL भी होगा, IXC भी होगा और IR भी होगा, यानी तीनों तरह का ड्रॉप होगा, रेसिस्टिव ड्रॉप भी होगा, रिएक्टिव ड्रॉप भी होगा, XL की वजह से भी, XC की वजह से, जबकि इसमें केवल रेसिस्टर की वजह से ड्रॉप होता है, इसीलिए आपका ट्रांसमिशन के EHV-AC सिस्टम के अंदर ये सारा ड्रॉप होगा, HVDC सिस्टम के अंदर नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल रेसिस्टर होता है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप HVDC सिस्टम के अंदर कम होगा और EHV-AC के अंदर ज़्यादा होगा। रेगुलेशन, जिसका वोल्टेज ड्रॉप कम हो रहा उसका रेगुलेशन अच्छा होगा, तो HVDC सिस्टम का रेगुलेशन अच्छा है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप कम है। क्यों वोल्टेज ड्रॉप कम है, क्योंकि केवल रेसिस्टर है, जबकि EHV सिस्टम के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं है। गुड भी आप यहाँ पे लिखा गया है, गुड की जगह पुअर भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी इसका कम होता है एज़ कम्पेयर टू HVDC। इसमें XL भी होगा, XC भी होगा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है एज़ कम्पेयर टू HVDC सिस्टम। नेक्स्ट लिखा गया है लिमिटेशन ऑफ ऑन लेंथ ऑफ केबल, लिमिटेशन मतलब कितना दूर तक जा सकते हैं, तो इसमें चार्जिंग करंट क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है। चार्जिंग करंट बोले तो इसमें कैपेसिटर फॉर्म नहीं होगा, तो चार्जिंग करंट एब्सेंट होगा, आगे इसका पूरा सेंटेंस है ऊपर में, तो कैपेसिटर इसमें नहीं होगा तो चार्जिंग करंट नहीं होगा तो लिमिटेशन इसमें नहीं है, ज़्यादा दूर तक आप ले जा सकते हैं।
और ड्यू टू चार्जिंग करंट इसमें लिमिटेशन होता, बहुत ज़्यादा दूर तक आप इसको EHVAC सिस्टम को बहुत ज़्यादा दूर नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर भी आगे भी लिखा गया है, सेंटेंस कंप्लीट किया गया है। EHVDC सिस्टम में क्या है, एब्सेंट, सो नो लिमिटेशन ऑन द लेंथ ऑफ द केबल, जबकि EHVAC सिस्टम में लिमिटेशन होता है लेंथ का, क्योंकि इसमें चार्जिंग करंट प्रेजेंट होता है, कैपेसिटर फॉर्म होता है। इफ़िशेंसी की बात करें, डिस्क के क्रॉस आपको मालूम है, स्ट्रिंग इफ़िशेंसी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, बहुत डिटेल वीडियो हमने बना के डाला हुआ है और आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। तो इसके अंदर EHVAC सिस्टम के अंदर क्या होता है, या आप बोल सकते हैं सिंपल AC सिस्टम के अंदर इसकी ये ट्रांसमिशन के यानी स्ट्रिंग के क्रॉस इफ़िशेंसी कम होती है, क्योंकि अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप होता है, शंट कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। तो इस वजह से इसके अंदर जो EHV सिस्टम होगा उसकी इफिशियंसी हमेशा 100% से कम होगा, क्योंकि इसमें शंट कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, या आप कह लीजिए अनइक्वल वोल्टेज ड्रॉप होता है। जबकि HVDC सिस्टम में क्या होगा, एवरी डिस्क के क्रॉस वोल्टेज इक्वल होगा, यानी इसकी इफिशियंसी 100% होगी, ईच डिस्क जो है बराबर यूटिलाइज होगा। नेक्स्ट लिखा गया लॉसेज इन सब स्टेशन। अब क्योंकि अब देखिए इतना सारा लगभग क्या है, EHVDC सिस्टम का एडवांटेज ही बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन अब देखिए इसमें डिसएडवांटेज क्या, लॉसेज इन सब स्टेशन, चूँकि यहाँ पर हम लोगों को कन्वर्टर लगाना पड़ता है, सेंडिंग इन भी कन्वर्टर और रिसीविंग इन भी कन्वर्टर लगाना पड़ता है, तो यहाँ पर भी लॉसेज, यहाँ पर भी लॉसेज, तो टोटल EHVDC सिस्टम के अंदर जो सब स्टेशन का लॉसेज है वो ज़्यादा होगा, यानी डिसएडवांटेज है ये, जबकि EHV सिस्टम के अंदर लॉसेस कम होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ सब स्टेशन। अब यहाँ पर आप रेक्टिफायर लगा रहे हैं, इन्वर्टर लगा रहे हैं, और बहुत हायर रेटिंग पर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आप क्या कर रहे हैं, लगभग ट्रांसफार्मर से आप स्टेप अप करके अगर 500 केवी कर लिया है या 800 केवी कर लिया है, तो अब इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है कि इसमें DC सिस्टम है, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा लॉसेज होता है, तो इसका लॉसेज भी ज़्यादा और कॉस्ट भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको पैसा लगाना पड़ेगा इतना हायर रेटिंग पर कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें अलग से पैसा है कन्वर्टर का, तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ सब स्टेशन ज़्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, EHVAC में कन्वर्टर नहीं होने की वजह से कम होगा। इसमें अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने का पॉइंट है, असिंक्रोनस टाई, सिंक्रोनाइजेशन एक टर्म होता है, सिंक्रोनाइजेशन आप लोग शायद पढ़ा होगा, आगे भी आप लोगों को मिलेगा, यानी बहुत सारे सब स्टेशन को हम क्या करते हैं, सब स्टेशन को या ग्रिड बनाते हैं, वहाँ पर अलग अलग स्टेशन को या अलग अलग अल्टरनेटर को जब कनेक्ट करते हैं हम लोग AC सिस्टम में, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 50 Hz फ्रीक्वेंसी सबका सेम होना चाहिए, RYB है तो फेज सेम होना चाहिए, पोलरिटी सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को और फेज सीक्वेंस को, वोल्टेज लेवल को चेक करते हैं, तो सारा चीज़ सेम होना चाहिए, इसी को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। तो अब चूंकि हमारा क्या है, HVDC सिस्टम के अंदर फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो, तो इसमें कोई भी आपको टेंशन नहीं है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें असिंक्रोनाइजेशन यानी अलग अलग आप सब स्टेशन को अलग अलग यानी अल्टरनेटर को रेटिंग को आप इसमें क्या कर सकते हैं, जनरेटर को कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है, तो असिंक्रोनस टाई यानी अलग अलग रेटिंग को भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें पॉसिबल नहीं है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, फेज सिक्वेंस सेम होना चाहिए, वोल्टेज सेम होना चाहिए, जिसको सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है, तो इसमें असिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल नहीं है EHVAC सिस्टम में। नेक्स्ट लिखा गया है रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, भरोसामंद, तो वन बाईपोलर लाइन इज सफिशियंट। ठीक है, वन बाईपोलर में क्या होता है, आपका दो कंडक्टर यूज़ होता है, तो अगर एक भी ख़राब हो जाएगा तो दूसरा कंडक्टर और अर्थ से होता हुआ सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो बाईपोलर अगर यूज़ करते हैं तो रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी अच्छी मिलेगी। जबकि इसमें क्या है, AC डबल सर्किट इज नेसेसरी, दो सर्किट यानी टोटल 6 तार इसमें यूज़ करना पड़ेगा, तो आपको लगभग रिलायबिलिटी अच्छा मिलेगा, लेकिन इसमें 2 ही तार से आपको मिल जाएगा रिलायबिलिटी, क्योंकि बाईपोलर के अंदर अगर एक तार टूट भी जाता है तो दूसरा और अर्थ से होता हुआ सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका
25वां पॉइंट हो गया। 26 में लिखा गया है कंट्रोल सिस्टम डिफिकल्ट कॉस्टली, कन्वर्टर की वजह से इसमें डिफिकल्ट होगा और कॉस्टली होगा, जबकि ये सिंपलर एंड चीपर होगा कंट्रोल करना इसका। पावर, अब देखिए कुछ पॉइंट है जो कि आप लोग अभी नहीं पढ़ा होगा या आगे पढ़िएगा, क्योंकि पावर सिस्टम के अंदर एक टर्म होता है पावर फ्लो सर्किट, तो ये जनरली बीटेक में होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट है। तो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी यानी कितना पावर हैंडल कर सकता है, तो इसमें नो लिमिट, यानी बहुत हायर पावर भी इसके अंदर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि इसमें एसी सिस्टम में क्या है, देर इज़ ए लिमिट ड्यू टू इंडक्टेंस एंड पावर एंगल। अब एसी सिस्टम के अंदर इंडक्टेंस प्रेजेंट होता है, पावर एंगल आता है, जिसमें इसमें हम लोगों को पावर हैंडलिंग यानी पावर को कैरी करने की क्षमता एक लिमिट तक होती है, जबकि डीसी में आपका कोई लिमिट नहीं होता है। नेक्स्ट 28 पॉइंट में लिखा गया वोल्टेज कंट्रोल फॉर लॉन्ग, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल फॉर लॉन्ग क्या है, इजियर एज इल एंड सी आर नॉट इफेक्टिव। HVDC सिस्टम इंडक्टर कैपेसिटर नहीं होता है, इसीलिए वोल्टेज कंट्रोल करना इसमें आसान होता है, इसमें क्या होगा डिफिकल्ट होगा लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस छूटा हुआ, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपका क्या होगा इंडक्टर एंड कैपेसिटर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वोल्टेज को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होगा। एक से लेक्सी की वजह से ड्रॉप होता है, तो वोल्टेज को कंट्रोल करना डिफिकल्ट, जबकि इसमें इंडक्टर कैपेसिटर नहीं होने की वजह से आसानी से कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट स्टेबिलिटी की बात करें, तो अभी आपको हमने बताया पावर सिस्टम में आगे आप लोगों को शायद पढ़ना होगा पावर स्टेबिलिटी होता है, पावर फ्लो डायग्राम होता है, तो ये पावर सिस्टम का एडवांस वर्जन है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी लिखा गया है, तो यहाँ पर नो लिमिट ड्यू टू अब्सेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड पावर एंगल, इसमें इंडक्टेंस पावर एंगल नहीं होता, इसीलिए इसमें स्टेबिलिटी की लिमिट नहीं है, जबकि EHVAC सिस्टम में ड्यू टू इंडक्टेंस एंड पावर एंगल लिमिट होता है, यानी बहुत हायर पावर भी हम EHVAC सिस्टम से नहीं भेज सकते। पावर फ्लो कंट्रोल, इसमें क्या होगा पावर कैन क्विकली यानी बहुत फास्ट कंट्रोल कर सकते हैं, पावर फ्लो कैन बी ईजिली कंट्रोल, लेकिन स्लो कंट्रोल है, क्यों, क्योंकि इंडक्टर होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर होने की वजह से आपको मालूम है ये जल्दी, यानी कैपेसिटर के बारे में मालूम है ये वोल्टेज को जल्दी सडन चेंज नहीं होने देता है, इंडक्टर करंट को सडन चेंज नहीं होने देता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत फास्ट हम लोग काम नहीं कर सकते, जबकि HVDC सिस्टम में बहुत फास्ट कंट्रोल कर सकते हैं। पावर ट्रांसफ़र एबिलिटी इसमें हाई होगा और इसके अंदर आपका लोअर होगा, EHVAC सिस्टम के अंदर पावर ट्रांसफ़र एबिलिटी इंडक्टर कैपेसिटर की वजह से लोअर होगा, जबकि इसमें ज़्यादा होगा। अब देखिए ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस, इसमें देखिए एक्सीलेंट, ये सारा इंडक्टर कैपेसिटर का रोल है, जितना भी अभी लगभग लास्ट में 5-6 पॉइंट हमने बात किया। ट्रांजिएंट, अब इंडक्टर नहीं होने की वजह से इसमें एक्सीलेंट है, लेकिन ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस इसका अच्छा नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रांजिएंट यानी सडनली चेंज होता है, वो क्यों हो जाता है, तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर की वजह से, इसीलिए देखिएगा स्पार्क वगैरह प्रोड्यूस होता है अगर लोड कंडीशन में आप ऑपरेट कराते हैं HVDC सिस्टम को, तो यहाँ पर इसका ट्रांजिएंट के अंदर परफॉर्मेंस पुअर होगा, ख़राब होगा, सर्च की जो वैल्यू होगी वो अधिक होगी, कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होगा, आग लगने का चांस ज़्यादा होगा, तो ये सब प्रॉब्लम है EHVAC सिस्टम में। बैक टू बैक कन्वर्जन इसमें पॉसिबल होता है और HVDC सिस्टम में EHVAC सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। लास्ट पॉइंट देखिए लिखा गया है शॉर्ट सर्किट करंट लेवल, इसमें आप चूंकि क्या है इंडक्टर कैपेसिटर नहीं, इंडक्टर कैपेसिटर होने की वजह से क्या शॉर्ट सर्किट करंट लेवल ट्रांजिएंट, यानी इंडक्टर कैपेसिटर की वजह से ट्रांजिएंट प्रोड्यूस होता है, तो जिसकी वजह से EHVAC सिस्टम में ट्रांजिएंट होने की वजह से वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि HVDC सिस्टम में ट्रांजिएंट नहीं होगा तो इसकी वैल्यू लो रहेगी। तो ये 34 पॉइंट हमने आपको बताया, तो 4-5 पॉइंट अगर नीचे का छोड़ भी दिएगा तो 30 पॉइंट आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा तो भी काफ़ी है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेशन होता है आगे के वीडियोज़ बनाने के लिए। तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू।